करौली शहर में बाइक रैली पर पथराव चाकूबाजी के बाद लगे कर्फ्यू में 15 दिन बाद आम जनता को राहत मिली है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद रविवार को पूरी तरह से कर्फ्यू खोलने की बड़ी राहत दे दी गई है। इसके बाद शहर की दुकानें आम दिनों की तरह खुलने लगी हैं। आपको बता दें कि कर्फ्यू के चलते सन्नाटे में तब्दील शहर की सड़कें लोगों से आबाद नजर आई। शादी विवाह के चलते दुकानों पर खासी भीड़ भी उमड़ी दिखी। इससे दुकानदारों में भी खुश वो लोग नजर आ रहे थे। इधर जिला प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं पुलिस प्रशासन ने अभी भी शहर में जगह जगह सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात कर रखा है। इधर बांसवाड़ा से आए नवनियुक्त जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने रविवार को पदभार संभाला है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी उचित कदम उठाए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिला कलेक्ट्रेट परिसर की कई शाखाओं का निरीक्षण करके अधिकारियों की बैठक भी ली। पहले तो ये है कि जो समाज के अंदर जो विश्वास जगाना और भाईचारे को बढ़ाना और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनके ऊपर फोकस करना, जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसको मॉनिटर करना और उसमें प्रगति लेकर कानून व्यवस्था विशेष प्रायोरिटी आपकी रहेगी। बिल्कुल, सबसे पहले तो कानून व्यवस्था ही है और सेकंड हम लोग जो मैंने जैसा कहा कि फ्लैगशिप स्कीम्स हैं और जो राज्य सरकार की स्कीम्स हैं उस पर फोकस करेंगे। सर आप डूंगरपुर से आए हैं? मैं बांसवाड़ा जिले से, बांसवाड़ा से आए। वो भी एक ट्राइबल बहुल्य क्षेत्र माना जाता है और मुझे लगता है कि वो वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरा दूसरा जिला है तो उसमें जो एज अ डीएम मुझे काम करने में उसका जो एक्सपीरियंस है उसको यूज करेंगे और अच्छा प्रशासन को यहाँ पर चाहिए। इसके मैंने मीटिंग रखी है क्योंकि राजस्थान के 5 जिले ऐसे हैं जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, तो इसको एक बार रिव्यू करके समझ कर और उसके बाद उसमें कैसे प्रगति लाई जा सकती है उसके ऊपर काम करेंगे। सर आज तो मैंने ज्वाइन किया है, अभी इसके बाद हम लोग ने जैसे एसपी साहब से कल मैंने मीटिंग कर ली और अभी उसमें आगे हम लोग आगे की जो प्रणाली रहेगी और किस प्रकार से हम लोग जो पब्लिक है उनके बीच में जाके उनसे बातचीत करके और नॉर्मलसी को रिटर्न करेंगे। सर आमजन के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको बस पहले तो जो त्योहार आए उसके लिए उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा और भाईचारा बना के रखें और पुलिस अपना काम कर रही है और वो अपना